आज तो ज्ञापन दिया, किस मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है? हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से, हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ ये ज्ञापन आज दिया है तहसीलदार महोदया को राष्ट्रपति के नाम पे। इसमें हमने राष्ट्रपति जी से मांग की है, महामहिम राष्ट्रपति जी से, कि मोदी सरकार ने जो किसान विरोधी काला कानून पास करा है संसद से, जिसमें किसानों का हर प्रकार से अहित है, नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि किसानों का हक छीन कर उनके मित्र अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को मिल जाए, और इसलिए किसानों की फसल और उनको मजदूर बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने इस बिल में किया है, और पास करके तथाकथित रूप से पास करके इसको राष्ट्रपति के पास पहुंचाया जाए। हम राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप इस पर बिल पर हस्ताक्षर ना करके इसको वापस लौटाएं और इस काला कानून बनने से रोकें, जिससे इस किसानों का, देश का अन्नदाता अपना जीवन खुशहाली रूप से बिता सके। अगर मांग नहीं हो, इस पार्टी पहले भी किसानों के हक के लिए लड़ती रही है और अभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ और अन्य 25 ऐसे दल हैं जो किसानों के संगठन हैं, जो अभी भी लड़ रहे हैं, और अन्य प्रदेशों में आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की लड़ाई बहुत चरम पे है। हम भी इसके लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी जाएगी, लेकिन इस कानून को खत्म कराने का प्रयास करेगी।